नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित लेक्चर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीए फर्स्ट ईयर की सेकंड पेपर साइकोलॉजी के बारे में। इसमें फ्रेंड्स मैं आज आप सभी को संभावित बहुविकल्पीय प्रश्न बताऊंगा जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और लगभग आने की इनकी संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट रेडी हो जाइए। और साथ साथ फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को भी सही लाइक कर दी। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स सबसे खास बात कि मैंने फ्रेंड्स जितने भी आंसर सभी को ऑलरेडी टिक कर दिया है, क्योंकि फ्रेंड्स इसके मैंने रीजन अपने हर एक वीडियो में बताया है कि जैसा कि है फ्रेंड्स की टिक करने से मेरे दो लाभ है। एक तो मैं फ्रेंड्स ज़्यादा फायदा क्वेश्चन करवा पाता हूँ, दूसरा मुझे अलग अलग सब्जेक्ट की जो वीडियो प्रोवाइड करनी रहती है उसमें फ्रेंड्स मुझे थोड़ा सा आसानी हो जाता है, मुझे ज़्यादा फायदा लर्न नहीं करना पड़ता। इस कारण से मैं ऑलरेडी फ्रेंड्स टिक कराता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व संरचना का एक घटक इच्छाओं का भंडार है। क्या फ्रेंड्स क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व संरचना का एक घटक इच्छाओं का भंडार है, उसका नाम क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ईगो, सेकंड है इड, थर्ड है सुपर ईगो एंड फोर्थ है चेतना। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है चेतना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि परसोना शब्द संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्राणी से, सेकंड है ज्ञान से, थर्ड है योग्यता से एंड फोर्थ है व्यक्तित्व से। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स व्यक्तित्व से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में विकास का अर्थ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, सेकंड है मात्रात्मक परिवर्तन, थर्ड है लंबा काल परिवर्तन एंड फोर्थ है एंड बी दोनों। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन यानी फोर नंबर क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत संबंधित है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड से, सेकंड है पियाजे, फिर थर्ड है एरिक्सन से एंड फोर्थ है स्किनर से। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो है फ्रेंड्स पियाजे से। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पैंक्रियाज अवस्थित होता है। इसमें फ्रेंड्स अधिकांशतः आप सभी को बायोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो मतलब बायोलॉजी सब्जेक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा यदि आप सभी को वीडियो चाहिए तो आप मेरे सेकंड चैनल जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्रेंड्स, आप सोनी लेक्चर पर विजिट कर लीजिए। वहाँ पर आपको बायोलॉजी से संबंधित बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगे। इस फ्रेंड्स से इस चैनल के भी प्लेलिस्ट में आप जाकर देख लीजिए बायोलॉजी के, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी क्वेश्चन मिल जाएंगे जो मानव शरीर से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है कि पैंक्रियाज अवस्थित होता है। तो फ्रेंड्स पैंक्रियाज एक पत्ती की नुमा होता है जो कहाँ पर स्थित होता है, तो फ्रेंड्स जो ये हमारा ग्रहणी होता है यानी फ्रेंड्स जहाँ से ऐसी आकृति बनती है वहीं पर फ्रेंड्स पैंक्रियाज अवस्थित होता है। तो फ्रेंड्स कहाँ होता है, तो सीने में, उदर में, हृदय में कि मध्यमस्तिष्क में, यानी कि फ्रेंड्स उदर में, यानी उदर कह सकते हैं फ्रेंड्स कि अपने ड्यूडेनम वाले पार्ट की जस्ट बगल यानी उधर में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एकांकी खेल क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने समूह में खेलना, सेकंड है अकेले खेलना, थर्ड है छोटी समूह में सहभागिता एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है अकेले खेलना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक बच्चों के गतिक विकास में सहायक नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अवसर, सेकंड है प्रोत्साहन, थर्ड है संवेग एंड फोर्थ है अनुकरण। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्रोत्साहन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनुकरणशीलता का अर्थ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम का एक प्रक्रम, सेकंड है पीछे से प्राप्त विशेषताएं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है पीछे से प्राप्त विशेषताएं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी चित्तवृत्त है, यानी फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है नौ नंबर की चित्तवृत्त है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है भ्रूण विकास के दौरान संज्ञायित करने योग्य क्रिया, सेकंड है वंशानुक्रम के कारण नहीं है, थर्ड है केवल शिशु व्यवहार के आधार पर कथनीय एंड फोर्थ है कठिन शिशु का एक माप। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है वंशानुक्रम के कारण नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मनोवैज्ञानिक वातावरण का अंग नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने संज्ञानात्मक क्षमताएं, सेकंड है भावात्मक क्षमताएं, थर्ड है क्रियात्मक क्षमताएं एंड फोर्थ है अंतःदर्शन। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है भावनात्मक यानी भावात्मक क्षमताएं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक की नकारात्मक विशेषता होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है दूसरों का सम्मान करना, सेकंड है विनम्र व आज्ञाकारी, थर्ड है ईर्ष्यालु एंड फोर्थ है आत्मविश्वासी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है ईर्ष्यालु। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में नवयुवको में कौन सा शारीरिक परिवर्तन होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा पहला ऑप्शन है लड़कों की आवाज़ में भारीपन, सेकंड है लड़कों में दाढ़ी मूछ आना, थर्ड है विषमलिंगी आकर्षण बनना एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स से उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है कि नवयुवकों में स्वप्नदोष आना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक, सेकंड है शारीरिक, थर्ड है बौद्धिक एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है शारीरिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोर या किशोरी में जो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन होते हैं वो एकदम छलांग मारकर आते हैं, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हाल जी का, सेकंड है स्किनर जी का, थर्ड है उडवर्थ जी
जी का एंड फोर्थ फ्लैट जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है हाल जी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के जन्म के कुछ मास बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह भावी जीवन में कौन सा स्थान ग्रहण करेगा, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्ट्रांग, सेकेंड है एडलर, थर्ड है माउरर एंड फोर्थ है वेंडूरा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है एडलर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा भाग 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है, यह परिभाषा दी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने फ्लोरेंस गुड एनएफ ने, सेकंड है कोठारी आयोग ने, थर्ड है पावेल ने एंड फोर्थ है स्किनर ने। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है फ्लोरेंस गुड एनएफ ने। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि सामान्य रूप से शिशु में कितने संवेग होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 7। तो फ्रेंड्स जो सामान्य रूप से इसमें जो संवेग होते हैं वो फ्रेंड्स 4 होते हैं, यानी इसका राइट ऑप्शन सी है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी बालक प्रारंभ के 6 वर्षों के बाद के 12 वर्षों से दुगना सीख लेता है, यह कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पावेल जी का, सेकंड है गैसेल जी का, थर्ड है कोलबर्ग जी का एंड फोर्थ है स्किनर जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है गैसेल जी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिशु के हाथ पैर और चक्षु उसके प्रारंभिक शिक्षक हैं, 5 वर्ष की आयु तक वह इनके द्वारा ही सोच सकता है, याद कर सकता है और पहचान सकता है, यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रूसो, सेकंड है फ्लोरेंस, थर्ड है कोलबर्ग एंड फोर्थ में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर फ्रेंड्स से रूसो। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि जब शिशु बहुत छोटा है तो है तब वह अकेला ही खेला करता है, धीरे धीरे वह उस अवस्था की ओर बढ़ता है जब वह खेलना चाहता है, अंत में वह अपनी आयु के बालकों के साथ खेलते हुए हर्ष और आनंद की अनुभूति करता है, यह विचार किस मनोवैज्ञानिक का है। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा जो फर्स्ट मनोवैज्ञानिक है वो फ्रेंड्स है रूसो, सेकंड है क्रो और क्रो, सेकंड थर्ड है गिलमैन एंड फोर्थ है स्पियर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो है क्रो एंड क्रो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फिजियोलॉजी एंड इट्स बियरिंग ऑन एजुकेशन नामक पुस्तक किसकी है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने प्रोवेल, सेकंड है प्रायर, थर्ड है वैलेंटाइन एंड फोर्थ है गिलमैन। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है वैलेंटाइन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि बालक किसकी विचारों का अवलोकन करता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने माता पिता, सेकंड है भाई बहन, थर्ड है पड़ोसी एवं मित्र एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक अधिगम के आपात नाम जुड़ा हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने मिलर जी का, सेकंड है डोलार्ड जी का, थर्ड है थार्नडाइक जी का एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी का। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में लड़कियों में शारीरिक परिवर्तन नहीं होता है यानी दाढ़ी मूछ का आना, सेकंड है मासिक स्राव प्रारंभ होना, थर्ड है आवाज में मधुरता एंड फोर्थ है कूल्हों का विकास। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है दाढ़ी मूछ आना। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी नो यूको की समस्या होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है व्यवसाय चयन की समस्या, सेकंड है जीवन साथी चयन की समस्या, थर्ड है सामाजिक पहचान बनाने की समस्या एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्र निर्माण के भावी कर्णधार होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है किशोर, सेकंड है प्रौढ़, थर्ड है बुजुर्ग एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो राष्ट्र निर्माण के भावी कर्णधार होते हैं वो फ्रेंड्स किशोर होते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 27 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स की किशोरावस्था की विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने शारीरिक विकास, सेकंड है मानसिक विकास, थर्ड है व्यक्तिगत मित्रता एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि नवजात शिशु का मस्तिष्क कोरे कागज के समान होता है जिस पर अनुभव लिखता है, यह कथन किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने रूसो जी का, सेकंड है स्किनर जी का, थर्ड है जॉन लॉक जी का एंड फोर्थ है यंग जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है जॉन लॉक जी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि जैसे जैसे शिशु प्रतिदिन प्रतिमास प्रतिवर्ष बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसकी शक्तियों में परिवर्तन होता जाता है, यह विचार व्यक्त किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जॉन लॉक जी ने, सेकंड है सोरेनसन जी ने, थर्ड है फ्रायड जी ने एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सोरेनसन जी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास का अर्थ होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है परिवर्तन, सेकंड है बदलाव, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स सी है एंड बी दोनों यानी परिवर्तन और बदलाव दोनों ही विकास के अर्थ हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी संज्ञानात्मक विकास के साथ नाम जुड़ा हुआ है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कोलबर्ट जी का, सेकंड है पियाजे जी का, थर्ड है राव जी का एंड फोर्थ है पियर्स जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है पियाजे जी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4 एंड फोर्थ है 5। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एरिक्सन ने मनोसामाजिक व्यक्तित्व के विकास के कितने सिद्धांत बताए हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने 4, सेकंड है 5, थर्ड है 6 एंड फोर्थ है 8। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 8। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट आपने पौष्टिक भोजन, सेकंड है माता की बीमारी, थर्ड है शराब का प्रयोग एंड फोर्थ है बी एंड सी दोनों। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो
फ्रेंड्स बी एंड सी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञान विकास की अवस्था नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संवेदी पेशी है, सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक, थर्ड है मनोसंक्रियता एंड फोर्थ है औपचारिक संक्रिया। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मनोसंक्रियता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान के मुख्य उपागम है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3, सेकंड है 4, थर्ड है 5 एंड फोर्थ है 6। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है 4। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गर्भकालीन विकास में माता का आहार होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रोटीन, सेकंड है कैल्शियम, थर्ड है आयरन एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स चित्र प्रश्नावली को अध्ययन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है छोटे बालकों के लिए, सेकंड है बड़े बालकों के लिए, थर्ड है युवाओं के लिए एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी के लिए। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है छोटे बालकों के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास में कौन सा कारक सहायक होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुगत, सेकंड है पर्यावरणीय, थर्ड है एंड बी दोनों एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है एंड बी दोनों। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों के शारीरिक विकास में भिन्नता दिखाई देती है, इसके पीछे निम्न कारक सहायक होते हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मनोसंक्रम, सेकंड है भौतिक वातावरण, थर्ड है पोषाहार एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि बालक के शारीरिक विकास में सहायक नहीं होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन, सेकंड है सामाजिक, थर्ड है वातावरण एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सामाजिक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 42 नंबर क्वेश्चन, फ्रेंड्स की संवेग की विशेषता होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है संवेग विकीर्ण, थर्ड सेकंड है संवेगों में सतता, थर्ड है संवेग संचयी एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स की बाल्यावस्था की एक प्रमुख विशेषता होती है यथार्थवादी दृष्टिकोण की, सेकंड है अधिगम की तीव्रता, थर्ड है स्थिर विकास प्रक्रिया एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है मानसिक विकास, सेकंड है संवेगों की रिक्तता, थर्ड है कल्पना की बहुलता एंड फोर्थ है संचय की प्रवृत्ति। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है संचय की। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि बालकों में सौंदर्य भूमि विकसित करने का आधारभूत साधन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रकृति अवलोकन, सेकंड है टेलीविजन, थर्ड है साहित्यिक अध्ययन एंड फोर्थ है खेलकूद। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्रकृति अवलोकन। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है फ्रायड जी, सेकंड है पावलोव जी, थर्ड है वर्दाइमर जी एंड फोर्थ है वाटसन जी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है वर्दाइमर जी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि खेलों के माध्यम से सामाजिकता का विकास किस प्रकार होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बालक कल्पना करके खेलता है, सेकंड बालक अपनी बौद्धिक शक्ति का प्रयोग करता है, थर्ड है बालक स्वभाव में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है एंड फोर्थ है बालक स्वतंत्र होकर खेलता है। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है सी यानी बालक सुबह में खेलता है जिससे अनेक सामाजिक गुणों का विकास होता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 48 नंबर क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक में प्रेम की भावना काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, यह विचार किसका है। यानी फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शैशवावस्था में बालक में जो प्रेम की भावना आती है वो काम प्रवृत्ति पर आधारित होती है, यह विचार किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है स्किनर जी का, सेकंड है फ्रायड जी का, थर्ड है पावलोव जी का एंड फोर्थ है वाटसन जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है फ्रायड जी का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे अधिक कठिन काल माना जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शैशवावस्था को, सेकंड है बाल्यावस्था को, थर्ड है किशोरावस्था को एंड फोर्थ है प्रौढ़ावस्था को। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है किशोरावस्था को। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार लैंगिक अवस्था की अवधि में अंतर्द्वंद के स्रोत लड़कियों में को जन्म देते हैं। यानी फ्रेंड्स जो फ्रायड के सिद्धांत के अनुसार लैंगिक अवस्था की अवधि में अंतर्द्वंद के स्रोत लड़कियों में किसको जन्म देते हैं। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हीनता ग्रंथ को, सेकंड है इंडिपस ग्रंथ को, थर्ड है इलेक्ट्रा ग्रंथ को एंड फोर्थ है उच्चता ग्रंथ को। तो फ्रेंड्स इलेक्ट्रा ग्रंथ को जन्म देते हैं। यानी फ्रेंड्स जो अट्रैक्टिव भाव होता है वो फ्रेंड्स इसमें लड़कियों में आ जाता है, इसका वो एक दूसरे से क्या करते हैं अट्रैक्टिव भाव में इलेक्ट्रा ग्रंथ को जन्म देते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 51 नंबर क्वेश्चन है कि इंडोक्राइन ग्लैंड के विकास से होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास, सेकंड है संवेगात्मक विकास, थर्ड है मांसपेशी विकास एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है संवेगात्मक विकास। इसके बाद फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि किस अवस्था में दांत बनना प्रारंभ हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जन्म से पूर्व, सेकंड है शैशवावस्था में, थर्ड है बाल्यावस्था में एंड फोर्थ है किशोरावस्था में। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है जन्म से पूर्व। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस आयु में बच्चे के मस्तिष्क का आकार लगभग परिपक्व हो जाता है। इसमें फ्रेंड्स
आपका स्टाफ है 3 वर्ष में, सेकंड है 6 वर्ष में, थर्ड है 8 वर्ष में एंड फोर्थ है 10 वर्ष में। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 6 वर्ष में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि गेस्टाल्ट ने किस क्षेत्र में काम किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सीखना, सेकंड है स्मृति, थर्ड है प्रत्यक्षीकरण एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर सी यही प्रत्यक्षीकरण इसका राइट आंसर है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक की मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बालकों को सीखने का पूर्ण अवसर प्रदान करना, यानी फ्रेंड्स जो ये बालक के मानसिक विकास के लिए अध्यापक का कार्य क्या है कि बालकों को सीखने का पूर्ण अवसर प्रदान करना, ये फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सेकंड है फ्रेंड्स छात्र छात्राओं के शारीरिक स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देना, थर्ड है व्यक्तिगत भेदों की ओर ध्यान देते हुए उनके लिए समुचित वातावरण की व्यवस्था करना एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 56 नंबर क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण में कौन कौन तत्व बाधक हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है माता पिता का प्यार दुलाना मिलना, सेकंड है माता पिता का नकारात्मक व्यवहार, थर्ड है अनुचित दंड देना एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि किशोरावस्था की मुख्य समस्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है शारीरिक विकास की समस्या, सेकंड है समायोजन की समस्या, थर्ड है संवेगात्मक समस्या एंड फोर्थ उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है उपयुक्त सभी। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन कि जब माता पिता के बच्चे उनकी विपरीत विशेषताओं वाले विकसित होते हैं तो यहाँ पर सिद्धांत तो लागू होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रत्यागमन का, सेकंड है विभिन्नता का, थर्ड है मूल जीवाणु की निरंतरता का एंड फोर्थ है समानता का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो क्या है, तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर वो फ्रेंड्स है प्रत्यागमन का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कितने महाकाशीय सुप्रोण व्यक्ति की मुख्य मुद्रा को पहचान लेता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 3 मास का, सेकंड है 4 से 5 मास का, थर्ड है 5 से 6 मास का एंड फोर्थ है 7 से 9 मास का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 4 से 5 मास का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल मन कोरा कागज होता है, यानी जो बाल और मन होता है फ्रेंड्स वो कोरा कागज होता है, किसने कहा है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है देकार्त जी ने, सेकंड है हरलाक जी ने, थर्ड है लॉक जी ने एंड फोर्थ है प्लेटो जी ने। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है लॉक जी ने। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 61 नंबर क्वेश्चन है कि मनोगत्यात्मक सिद्धांत द्वारा प्रतिपादित किया गया है, यानी किसके द्वारा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है एरिक्सन द्वारा, सेकंड है स्किनर द्वारा, थर्ड है फ्रायड द्वारा एंड फोर्थ है वाटसन द्वारा। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है फ्रायड द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा, सेकंड है बालक की अनुवांशिक संरचना के द्वारा, थर्ड है बालक संबंधी वातावरणीय दबावों के द्वारा एंड फोर्थ है विभिन्न बालकों में विभिन्न प्रकार के निर्धारक कार्य। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है ए, यानी बालक की अनुवांशिक तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि उत्तर बाल्यकाल का समय होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 0 से 2 वर्ष तक, सेकंड है 4 से 6 वर्ष तक, थर्ड है 6 से 12 वर्ष तक एंड फोर्थ है 12 से 14 वर्ष तक। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 6 से 12 वर्ष तक। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास के संदर्भ में मैकडूगल ने इसमें फ्रेंड्स क्या कहा। तो इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन व्यक्तित्व का विश्लेषण किया है, सेकंड है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है, थर्ड है बालक के शरीर विकास का विश्लेषण किया है एंड फोर्थ है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार का विश्लेषण किया है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि समाजीकरण एवं व्यक्तिकरण एक ही प्रक्रिया के दो पहलू है या कथन है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन मैकाइवर जी का, सेकंड है राफ जी का, थर्ड है कोलबर्ग जी का एंड फोर्थ है गिलगैन जी का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है मैकाइवर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकास क्या है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि एक प्रक्रम जिससे प्राणी वृद्धि करता है और जीवन विस्तार में परिवर्तन लाता है, सेकंड है जीवन के प्रथम 5 वर्ष से, थर्ड है फ्रेंड्स शैशवावस्था से किससे किशोरावस्था के मध्य वृद्धि का प्रक्रम एंड फोर्थ उपयुक्त में सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स ए, यानी ए प्रक्रम जिससे प्राणी वृद्धि करता है और जीवन विस्तार में परिवर्तन लाता है। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष तूफान तनाव एवं विरोध की अवस्था है या विचार किसका है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है राज, सेकंड है स्किनर, थर्ड है स्टैनले हॉल एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है स्टैनले हॉल। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के समाजीकरण के लिए कौन कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सामुदायिक भावना का विकास, सेकंड है पाठ्यक्रम, थर्ड है पाठांतर कार्यक्रम एंड फोर्थ है अनुशासन। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सामुदायिक भावना का विकास। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बालक के शारीरिक विकास की दर निर्भर करती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वंशानुक्रम पर, सेकंड है वंशानुक्रम की संरचना जो पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त हो, थर्ड है पर्यावरणीय प्रभाव एंड फोर्थ है वातावरण। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है बी, यानी वंशानुक्रम की संरचना जो पर्यावरणीय प्रभाव से युक्त हो। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी 70 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि बालक किसी समय
जो विकास प्रकट करता है वह वास्तविक रूप से परिणाम होता है। इसे फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं अनुवांशिक कारणों के योगफल का। सेकंड है अपने अनुभव का। थर्ड है उस पर पड़ने वाले सामाजिक दबाव का। एंड फोर्थ है अभिवृद्धि में सहायक अवसर का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है ए, यानी उस पर प्रभाव डालने वाले वातावरण एवं अनुवांशिक कारणों के योगफल का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रायड ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है आत्मीकरण का। सेकंड है मूल प्रवृत्तियात्मक का। थर्ड है मनोविश्लेषणात्मक का। एंड फोर्थ प्रेरणा आपूर्ति सिद्धांत का। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है मनोविश्लेषणात्मक का। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि कौन सा बौद्धिक विकास का अवयव नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है सृजनात्मकता। सेकंड है सहनशीलता। थर्ड है चिंतन। एंड फोर्थ है कल्पनाशीलता। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है सहनशीलता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी फ्रेंड्स 73 नंबर क्वेश्चन है कि विशिष्ट श्रेणी में क्या सम्मिलित नहीं है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है धीमा। सेकंड है मंदता। थर्ड है सामान्य। एंड फोर्थ है प्रतिभागाशाली। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है सी यानी सामान्य। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था की आयु किस वर्ष में आती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 1 से 3 वर्ष में। सेकंड है 3 से 5 वर्ष में। थर्ड है 6 से 12 वर्ष में। एंड फोर्थ है 12 से 14 वर्ष में। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 6 से 12 वर्ष में। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि विकासात्मक मनोविज्ञान की कितनी विधियाँ हैं। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 3। सेकंड है 4। थर्ड है 5। एंड फोर्थ है 6। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है 6। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति में विकास का क्रम शुरू होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है जन्म के बाद। सेकंड है 6 माह के बाद। थर्ड है गर्भाधान के बाद। एंड फोर्थ है उत्पत्ति में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है गर्भाधान के बाद। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि सिगमंड फ्रायड प्रतिपादक थे। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है प्रकायवाद पर। सेकंड है व्यवहारवाद पर। थर्ड है मनोविश्लेषण विश्लेषण पर। एंड फोर्थ है फनचनावाद पर। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है मनोविश्लेषण पर। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि मानव प्राणियों में खेल का लक्ष्य होता है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है व्यायाम की आवश्यकता। सेकंड है वयस्क जीवन की तैयारी। थर्ड है बड़ों का अनुकरण। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है व्यायाम की आवश्यकता। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे के विकास के लिए उसी इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है रटने की आदत देंगी। सेकंड है स्वक्रिया पर बल देंगे। थर्ड है खेल प्रवृत्ति देंगे। एंड फोर्थ है उपयुक्त सभी। जो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है स्वक्रिया पर बल देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक नवजात शिशु की लंबाई होती है। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है 10 इंच। सेकंड है 12 इंच। थर्ड है 20 इंच। एंड फोर्थ है 22 इंच। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर है वो फ्रेंड्स है 20 इंच। इसके बाद फ्रेंड्स हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कह सकते हैं कि फ्रेंड्स इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसमें फ्रेंड्स हमारा फर्स्ट ऑप्शन है टोलमैन जी ने। सेकंड है पियाजे जी ने। थर्ड है कोहलर जी ने। एंड फोर्थ उपयुक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर वो फ्रेंड्स है पियाजे जी ने। तो फ्रेंड्स आई होप आप सभी को मैंने जो 81 क्वेश्चन बताया है वो समझ में आ गया होगा। यस फ्रेंड्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर। मिलते हैं फ्रेंड्स अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद, नमस्कार।